हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए और एक नया वीडियो लेके आई हूँ। और जैसे आप सबको पता है कि मैं कनाडा जाने वाली हूँ, तो कनाडा की जितनी भी सारी शॉपिंग थी वो मेरी सारी की सारी हो चुकी है, बस अभी पैकिंग बाकी है। तो मैंने सोचा उससे पहले आपके लिए एक वीडियो बनाऊँ। और जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं इन्फॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग व्लॉग दोनों लाऊंगी, तो आज का ये वीडियो जरा सा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो मैंने पहले सोचा था कि जितने भी जो आइटम्स है जो मैं कनाडा लेके जाने वाली हूँ उन सबका एक वीडियो बनाऊँ, बट देन आई फिगर्ड आउट कि वो बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो होगा। इसके लिए मैं सारे चीजों का अलग अलग वीडियो बनाने वाली हूँ, जैसे किचन वेयर, फूड आइटम्स, क्लोथ्स, एक्सेसरीज, स्किन केयर, जो भी सारों का मैं एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगी। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने किचन वेयर के लिए क्या क्या लेके जा रही हूँ कनाडा, और आप भी वो चीजें लेके जा सकते हो एज स्टूडेंट व्हेन यू आर गोइंग कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूके एंड एनीवेयर अब्रॉड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये मैंने बॉक्स में भर के रखी थी आइटम्स, अगर आपको दिख रही होगी। वेट, आई लिफ्ट इट। ओह, तो ये सारी जो आइटम्स है ये मैंने किचन वेयर के लिए लेके रखी है, और जो फूड आइटम्स है वो बहुत ज़्यादा अलग है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले एक पैन, क्योंकि लिए पैन तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कुछ भी एग कुक करने के लिए, या फिर भुर्जी बनाने के लिए, पनीर भुर्जी बनाने के लिए। और अगर आप जो कोई भी बर्तन ले रहे हो, मेक श्योर वो इंडक्शन बेस हो। ये भी इंडक्शन बेस है, जैसे इंडिया में गैस होते हैं वैसे नहीं होते, इंडक्शन बेस गैस होता है। तो मेक श्योर आप इंडक्शन बेस वाले ही बर्तन लो, नहीं तो वो नो यूज रहेंगे, वहाँ पे यूजलेस हो जाएंगे। सो दिस इज अ पैन, एक पैन जो मैंने लिया है। सेकेंड मैं आपको बता दूंगी, देन आई हैव बॉट स्मॉल कढ़ाई, ये भी इंडक्शन बेस वाली है। और मैंने सारे बर्तन स्टेनलेस स्टील के लिए, वहाँ पे बर्तन मिलते हैं बट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलते हैं और उतने प्राइस के वो वर्थ इट नहीं होते हैं, मतलब उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती। अगर आप एक बार लोगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा छः महीना या एक साल यूज़ कर पाओगे वहाँ के बर्तन। इसलिए यहाँ के आप अच्छे क्वालिटी के, थोड़े महंगे रहेंगे तो भी चलेगा, बट अच्छे क्वालिटी के बर्तन आप लेके जाओ। ये कढ़ाई है, इसमें कुछ भी सब्जी एंड ऑल बना सकती हो, चिकन बना सकती हो। नेक्स्ट मैंने प्लेट बहुत टाइप के लिए, ये एक प्लेट ली है, ये सेक्शन वाली प्लेट इसके लिए ली क्योंकि उधर जाके मुझे बर्तन धोना ना पड़े, यहाँ पे मैं राइस करी या सब्जी सलाद ऐसे ले सकती हूँ। ये नॉर्मल प्लेट है, वो ली है। दो तीन ऐसे छोटे प्लेट्स लिए है, देन बाउल लिए ऐसे डीप वाले अगर कुछ मुझे अनियन एंड ऑयल कट करना होगा, एंड ग्लास लिया है, दिस इज अ ग्लास, एक ग्लास तो लेना चाहिए लिया है। फिर सबसे मेन चीज, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, चॉपर। वहाँ पे अगर हमें टाइम नहीं होगा, बट ऑब्वियस हमें टाइम नहीं होगा क्योंकि लिए कॉलेज जाना होगा, पार्ट टाइम जॉब करनी होगी, हाउस क्लीनिंग करनी होगी, तो ये चॉपर में कुछ भी वेजिटेबल्स फ्रूट्स डाल के चॉप करके हम सलाद बना के भी खा सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा प्रेफर करती हूँ सलाद, तो ये कर सकते हैं। या फिर अगर आप सब्जी भी बना रहे हो और आपको चॉपिंग इतने अच्छे से नहीं आती, या फिर आपको थोड़ा टाइम बचाना है, तो आप ये चॉपर यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर बस आपको कोई भी वेजिटेबल डालना होता है, एंड यू हैव टू जस्ट पुल दिस, दिस इज फन, बट ये बहुत ईजीली हो जाता है। तो ये चॉपर लिया है मैंने। देन माई फेवरेट ये थर्मस, जो थर्मल बॉटल होती है वो है। इसके अंदर आप वहाँ पे, बट ऑब्वियस बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो आप कॉफ़ी, टी, सूप या फिर हॉट वाटर आप कैरी कर सकते हो। तो मेक श्योर अगर आप बॉटल ले रहे हो तो एक थर्मल बॉटल ही लो, क्योंकि नॉर्मल बॉटल की भी प्राइस आपको 300-400 तक पड़नी है, और ऐसे थर्मल बॉटल्स भी आपको 600-800 तक आ जाती है। ये हो गया। फिर मैंने ये एक ही ये लिया है, जो ढक्कन बोलते हैं, ढक्कन बोलते हैं जो पैन के ऊपर या कढ़ाई के ऊपर रख सकते हैं, वो एक लिया है। देन मैंने एक ऐसा ये लिया है, पैन बोल सकते हैं इसको, चाय, कॉफ़ी, मिल्क बॉईल कर सकते हैं। ये मैंने ऐसे ही एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि मैं तो लैक्टोज इंटॉलरेंट हूँ, मैं चाय, कॉफ़ी ये सब नहीं पीती, बट इन केस अगर मुझे कुछ बनाना हो, सूप बनाना हो, या फिर थोड़ी सी कोई दाल एंड ऑल गर्म करनी हो, मुझे माइक्रोवेव में नहीं करना हो, तो इसके लिए मैंने ये लिया। ये भी इंडक्शन बेस है, ये बाय द वे मैंने मिस्टर DIY से लिया है। एंड अगेन सम बाउल, मैं
मैंने माइक्रोवेव जो बाउल होते हैं वो भी थोड़े से लिए, और मैंने टिफिन्स लिए. मेन आप टिफिन्स ले लो अगर आपके पास हो तो, नहीं तो आप वहाँ पे भी ले सकते हो, वहाँ पे सस्ते मिल जाएगी आपको टिफिन्स. बट मेरे पास यहाँ पे घर पे थे 2 से 3 कांच के टिफिन्स थे, तो वो मैंने ले लिए. तो ये मतलब मैं कॉलेज जाऊंगी तो इसमें फ्रूट सलाड्स या जो भी मैं बनाऊंगी तो उसके साथ ये पैक करके लेके जा सकती हूँ. ये एक टिफिन है मेरे पास और ये वाला भी एक है. वेट, आई विल शो यू गाइस. ये भी है मेरे पास, तो ये भी कुछ रखने के लिए काम आ सकता है. बहुत स्ट्रॉन्ग है. बस मुझे यू मेक श्योर अगर आप कांच का कुछ भी लेके जा रहे हो तो आप उसको किसी कपड़े में, जैसे आपके कोई भी क्लोथ्स होंगे उसमें थोड़ा सा रैप करके लेके जाओ, क्योंकि एयरपोर्ट में जब हमारा लगेज वो लोग फेंक देते हैं, रखते हैं बहुत हार्ड वे में हैंडल करते हैं, तो माइट भी ग्लास का कुछ टूट सके, तो आप रैप करके लेके जाओ. मेरे पास तो ये घर पे अवेलेबल थे 2 से 3 टिफिन्स, इसके लिए मैं लेके जा रही हूँ, मुझे वहाँ जाके कुछ खरीदना ना पड़े. अगेन टिफिन स्टील वाला, ये हल्का है और इसमें भी मैं अगर स्टोर करके अगर मुझे रखना है तो मैं रख सकती हूँ. अगेन सम स्मॉल प्लेट्स कुछ खाने के लिए, बाउल, सम बाउल, दो मैंने सबके दो दो चीज़ लिए, दो ये दो. देन सबसे 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 इम्पोर्टेंट चीज़, कुकर. दिस इज वेरी 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 मच इम्पोर्टेंट. मैं बहुत ज़्यादा कम खाना खाती हूँ इन राइस, तो मैंने छोटा सा ही कुकर लिया है. ये विनोद का है आई गेस. हाँ ये विनोद का है, प्रेस्टीज या विनोद इज बेस्ट. तो ये भी जो है इंडक्शन बेस है और ये ऐसा है, तो इसमें मैं कुछ भी बॉईल कर सकती हूँ, जैसे स्प्राउट्स हो गए, राइस बना सकती हूँ फटाक से, आलू बॉईल करके कुछ बना सकती हूँ ऐसे, इसके लिए अगर आपको खाना बनाना आता है. एंड मेक श्योर आप जा रहे हो तो ये बैंड और इसकी जो सिटी है वो घर पर मत भूल जाना. और ये जो कुकर था उसके साथ ये ऐसे लिड भी आई थी, तो मैं अगर और कुछ दाल एंड ऑल भी पकानी है, सब्जी भी पकानी है, तो भी मैं उसके अंदर पका सकती हूँ. और दो से तीन जो चम्मच होते हैं, ये एक सब्जी के लिए, ये एक दाल या सब्जी के लिए, एंड ये स्पेशली ऑमलेट या चपाती, आप कुछ आपको उल्टा करना है तो उसके लिए ये, एंड एक ये जो पकड़ होती है ये थोड़ी बड़ी सी है, आप छोटी लेके जाना, मुझे ये ही मिली तो मैंने ये लेके आई हूँ, ये और एक बटर नाइफ, पीलर, जैसे अगर कोई भी वेजिटेबल है, आलू है, उसको पील करने के लिए. और ये साथ में ग्रेटर भी है, तो मैं इससे कुछ भी अदरक या फिर चीज़ भी ग्रेट कर सकती हूँ. सो ये मेरा एक स्पेस बचा रहा है, नहीं तो फिर मुझे 2 चीज़ें कैरी करनी पड़ती. मेरे पास घर पे एक ऐसा सेट पड़ा हुआ था, लाइक ये और ये पड़ा हुआ था, मैं ये भी कैरी कर रही हूँ. बहुत ज़्यादा हल्का है. आपके पहले आप आपके घर पे चेक कर लो कि आपके पास क्या क्या है, देन गो फॉर शॉपिंग. आपके घर पे जो है वो आप रख लो, जो आपको लगता है कि हल्का भी है और इतना वेट नहीं है और वहाँ पे जाके यूज़फुल होगा, तो आपको वहाँ पे जाके नहीं लेना पड़ेगा, वो ले लो. और बाकी के जो सामान आपके पास बेसिक सामान नहीं है, जैसे कुकर हो गया, पैन हो गई, कढ़ाई हो गई, प्लेट्स हो गए, ये तो इम्पॉर्टेंट है, ये तो आपको लेना ही है. ये और इसके स्पूंस, और मैंने ये ग्लव्स लिए के लिए, अगर इतना खाना एंड ऑल बनाएंगे तो हमें बर्तन तो धोने पड़ेंगे, एंड आई एम नॉट गुड एट इट, फिर मैं कभी बर्तन नहीं धोती. तो इसके लिए ये ग्लव्स लिए, इसको पहन के आई विल जस्ट वॉश द बर्तन. इसके अलावा जो हम स्पाइसेस रखते हैं उसके लिए बॉक्स, पहले मैं ये बॉक्स नहीं लेने वाली थी, बट देन फिर मैंने सोचा कि बहुत फिर छोटे छोटे बॉक्सेस लेने पड़ेंगे और फिर उसमें से टाइम उतना कंज्यूम करेगा, क्योंकि वापस मुझे एक लेड खोलो रेड चिली पाउडर डालो, एक लेड खोलो टर्मरिक डालो, सॉल्ट डालो. इसके लिए मैंने ये मसाला बॉक्स ले लिया, इसके अंदर जो भी मेरे स्पाइसेस है वो भर के रखूँगी, और जब भी मुझे कुकिंग करनी होगी क्विकली मैं निकाल के डाल सकती हूँ, एंड आई एम डन एंड आई एम गुड टू गो. सो ये मैंने लिया है. पहले वो जो स्टील वाला है वो मैं लेने वाली थी, बट वो मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा था, एंड दैट वॉज फॉर समथिंग 400 है डीमार्ट में आई गेस,
बट ये भी मुझे उतने ही प्राइस में मिला है, लाइक 500-600 में ये आपको मिल जाएगा और ये दिखता भी अच्छा है तो, और ये थोड़ा सा हल्का भी है तो ये मैंने लिया है। बस ये एक इसका ड्रॉबैक है कि यहाँ पे ग्लास है तो ये मुझे संभाल के लेके जाना है। और उसके अलावा देर इज अ चॉपर, तो ये जो चॉपर आता है ये बहुत 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 ज़्यादा यूजफुल है कि आपको सही में वहाँ पे टाइम नहीं रहेगा, हमें बहुत सारी चीज़ें करनी होंगी वहाँ पे, क्लीनिंग करनी होगी, यूनिवर्सिटी जाना होगा, मुझे नहीं लगता है कि वहाँ पे हम इतना बोलते हैं ना लाइक फुल मील बना सकेंगे या कुछ बना सकेंगे, और अगर फुल मील बनाना भी है तो भी चॉपिंग के लिए तो टाइम बहुत कंज्यूम करेगा, तो उससे अच्छा ये आप एक ले लो। इसमें बहुत सारे सेक्शंस हैं तो ऐसे प्लेट्स आते हैं इसमें, मैं आपको दिखा देती हूँ एक, तो इसमें अलग अलग ऐसे प्लेट्स हैं कि ये आप अगर आपको ऐसे स्लाइस करना है तो ऐसे, ये वाले बड़े स्लाइसेस करने हैं, ग्रेट करना है आपको कुछ, या फिर आपको अनियन के स्लाइसेस ऐसे करने हैं तो वो आ जाएगा। बस आपको इसके ऊपर जो है आपको आपकी वेजिटेबल रखनी है और ऐसे ऐसे करना है तो नीचे सारी वेजिटेबल्स वो चॉप होके आ जाएगी, और एल्स अगर आपको वो जो पतले स्लाइसेस है वो करना है तो आपको प्लेट चेंज करके आपको जो अनियन है या फिर जो भी वेजिटेबल है यहाँ पे करना है और ऐसे ऐसे करना है एंड इट्स गुड टू गो। आपका जो भी है वो यहाँ पे आ जाएगा, आप सलाड बना सकते हो, वेजिटेबल बना सकते हो, वो बहुत ईजी होता है। थोड़ा सा ये बड़ा लग रहा है भी थोड़ा सा, बट ये बहुत यूजफुल होगा, ये यहाँ से ही लेके जाना, ज़रूर लेके जाना। और मैंने जितनी भी जो किचन वेयर की जो चीज़ें थी वो मेंशन कर दी है, बस मैंने कुछ चीज़ें मेंशन नहीं की है क्योंकि मुझे पर्सनली वो इम्पोर्टेंट नहीं लगती और मैं वो लेके नहीं जा रही। सबका प्रेफरेंस अलग होगा, कोई अगर रोटी खाता है तो मेक श्योर कि आप वो जो बेल आटी बनाने का होता है वो आप ज़रूर लेके जाना। इसके अलावा एक चिमटा भी लेके जाना जो पापड़ या फिर जो चपाती को ऐसे करते हैं, मैं चपाती नहीं खाती, मैं ज़्यादा राइस ही खाती हूँ तो मैंने, और मुझे चपाती बनाने भी नहीं आती, लाइक मुझे गूंदना आता है, बेलना गोल तो चपाती मेरी कभी बनती नहीं, तो मैंने वो सारी चीज़ें नहीं ली है, बस इतनी चीज़ें ली है। और एक अगर आप बहुत ज़्यादा चपाती खाने वाले हो तो एक पैन ज़रूर ले लेना, प्लेन पैन जो मैंने लिया है, जैसे मैंने ये लिया है डीप पैन है, इसमें मैं सब्जी या फिर कुछ भी बना सकती हूँ। अगर आपको चपाती बनानी है तो एक प्लेन जो पैन होता है वो ले लेना जिसपे आप चपाती सेक सको। दैट्स इट, यही सारी चीज़ें मुझे आपसे मेंशन करनी थी। ये इतना इनाफ हो जा, टिफिन चाहिए तो आप नहीं लेके जा सकते हो, आप वहाँ पे जाके भी खरीद सकते हो, एक एक दो दो चीज़ सब लेके जाना, दो बाउल लेके जाना, दो प्लेट्स, ऐसे सारी चीज़ें कैरी करना, स्पून्स लेके जाना, फोक लेके जाना, मैंने भी डाले हैं स्पून और फोक बट आई गेस वो यहाँ पे नहीं है तो वो डालने हैं एंड वी आर गुड टू गो। सो दैट्स इट, आपको आज का वीडियो कैसे लगा डू कमेंट डाउन एंड प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो जो भी आपके फ्रेंड्स जा रहे हैं फॉरेन, एंड प्लीज़ 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 डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय टू डूज, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।